राज्य को जब यूटी बनाया गया तो उम्मीद जागी कि जो कार्य जो पिछले पेंडिंग थे वो पूर्ण होंगे, लेकिन शायद जो ये लोग सपने देख रहे थे कि केंद्र शासित बनने के बाद हमारे सपने पूरे होंगे, हमारी उम्मीदें फिर से उजागर होंगी, हमारे रुके हुए काम फिर से पूरे होंगे, लेकिन शायद जो पीएचई के डेली वेजेस हैं उनके लिए शायद अभी वो सपने जो हैं वो सपने ही हैं। तमाम जितने भी जो है दीपक जी तस्वीरें बताएं, जितने भी इस वक्त पीएचई के लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं डिमांडों को लेकर, और जम्मू कश्मीर पुलिस की बात की जाए तमाम जवान यहाँ पर मुस्तैद हैं और प्रदर्शन करने से इन्हें रोका जा रहा है, यानी कि वो इससे आगे नहीं जा सकते। और अगर आप देखें और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कारण है कि आपकी डिमांड जो है फुलफिल नहीं हुआ? तो रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा तूफान आएगा। आज हमारा ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट का जो गवर्नर साहब से डेलीगेशन गया था पिछले दिनों मिलने के लिए, तो हमने एक दिन का प्रदर्शन आज का रखा हुआ था, क्योंकि हमें इन्होंने आश्वासन दिया था कि डीडीसी इलेक्शन होगी उसके बाद आपके मसले हल होंगे। आज हमें मजबूरन एक दिन का धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आज बलपुर पुलिस ने हमें बाहर नहीं जाने दिया। हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं, क्योंकि 26 तारीख को हम ब्लैक दिवस मनाने जा रहे हैं। हम मनाना नहीं चाहते थे, लेकिन हम देशभक्त लोग हैं, भारत माता की जय कहने वाले हैं। अब हमारे फ्यूचर तबाह हो चुके हैं। हमने पिछले 20-25 सालों से लगातार डिपार्टमेंट की सेवा दी है। हमारे बहुत सारे साथी जो मर गए हैं, टांगे कट गए, अभी भी आपके सामने हमारे दो साथी रजौरी में मर गए, दो हमारे रियासी में मर गए, जम्मू में मर गए। हम ये कहना चाहते हैं ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट 61,000 लोगों का मसला है, इनकी फैमिली का मसला है, इनके बच्चों का मसला है। अब इन्होंने अपना तो फ्यूचर तबाह कर दिया, लेकिन अपने बच्चों का फ्यूचर तबाह नहीं होने देंगे। चाहे जिस तक जहां भी जाना पड़ेगा ये वहां जाएंगे, अपने मसले हल करवाएंगे। 26 तारीख को जो हमारा हम गणतंत्र दिवस है उस पर हमने जो रखा है कि हम ब्लैक डे बनाएंगे, क्योंकि हमारी भी मजबूरियां बन चुकी हैं। हम देशभक्त लोग थे, तिरंगा पकड़ने वाले लोग हैं, तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी जान है, लेकिन हमारे बच्चे भी हमारी जान है। हमारे बच्चे भी जिनका फ्यूचर तबाह हो रहा है, हमारी फैमिली का फ्यूचर तबाह हो रहा है, हम उनके लिए चाहे अपनी गर्दनें भी कटानी पड़ेगी हम पीछे नहीं हटेंगे। हम गवर्नर साहब को ये कहना चाहते हैं, गवर्नर साहब होश में आ जाओ, नहीं तो आने वाले दिनों में जो भी एजुकेशन होगी कुछ भी होगा तो उसका मसला सारा आवाज दो, आवाज दो। गवर्नर साहब ने 61,000 लोगों के मसले की बातचीत की थी, उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि हम आपका मसला जल्द से जल्द हल करेंगे। हम चाहते हैं कि 26 तारीख के पहले पहले कोई तो कोई पॉलिसी लॉन्च कर दे, तो नहीं तो हम ब्लैक डे मनाएंगे, हमें मजबूरन मनाना पड़ रहा है। मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारे बहुत सारे साथी मर गए, उनके बच्चे दर्दर हो रहे हैं, उनमें हम भी एक है। आज हम यहाँ खड़े हैं आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, कल क्या पता ड्यूटी दौरान हम भी मर सकते हैं, हमारी भी बाजू कट सकती है, टांगे कट सकती हैं, लेकिन हम यही कहते हैं हम देशभक्त लोग हैं, हमें मजबूर मत करें। चलिए शुक्रिया। तो गणतंत्र दिवस में ये ब्लैक डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे और ये बहुत बड़ी बात है। आखिर क्यों तमाम कैजुअल लेबर की जो लोग हैं उन्हें उनकी डिमांड जो क्यों फुलफिल नहीं की जा रही, आखिर क्यों इतनी देरी जो है वो लग रही है, आपको क्या लगता है ये खबर देखकर? आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तमाम जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँगा। आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन, कैमरामैन दीपक मनाज के साथ। जय हिंद।